दोस्तों, इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा एक फाइट अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी बस ये रूमर्स है कि बात चल रहा है यूएफसी के तरफ से ये फाइट करवाने के लिए, वो होगा आपका बिटवीन माइकल वेनम पेज और वंडर बॉय थॉम्सन के बीच में। ये बस अभी रूमर्स है, यूएफसी के तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये बात चल रहा है कि फाइट करवाएगा आपका यूएफसी 302 या फिर आपका यूएफसी 303 में या फिर आपका यूएफसी 305 में ये फाइट होने वाला है। दोनों ही आपका स्ट्राइकर है और दोनों ही वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है। वंडर बॉय थॉम्सन को आप लोग को पता ही है किस तरह का, वो अगर स्टैंड अप गेम में उसको मिले ओपोनेंट तो वो किस तरह से तबाही मचा सकता है। और आपका माइकल वेनम पेज को आप लोग जानते ही हो, वो अपना स्ट्राइकिंग के वजह से वर्ल्ड फेमस है। तो इन दोनों का बीच में अगर फाइट हो तो आप देखना चाहेंगे कि नहीं, इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, वो जरूर हमें बताएगा। मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूंगा अगर ये फाइट हुआ तो। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका जैक डेला मेडेलिना को लेके। जैक डेला मेडेलिना ने चैलेंज किया है वेल्टरवेट डिवीजन का सबसे खतरनाक फाइटर शाबकात रहमानोव को। जैक डेला मेडेलिना ने कहा है शाबकात रहमानोव है इस डिवीजन का सबसे खतरनाक फाइटर, उसने आज तक जिससे भी फाइट किया है इस डिवीजन में सबको उसने फिनिश किया है। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ इस डिवीजन का अगर कोई सबसे खतरनाक फाइटर है तो वो है शाबकात रहमानोव। तो इसी वजह से मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ शाबकात रहमानोव के अगेंस्ट में, और मैं इसीलिए फाइट करना चाहता हूँ शाबकात रहमानोव से। तो अभी देखना है क्या शाबकात रहमानोव जैक डेला मेडेलिना का ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या नहीं। जैक डेला मेडेलिना भी वन ऑफ द बेस्ट है आपका वेल्टरवेट डिवीजन में। तो आप ये फाइट देखना चाहेंगे कि नहीं, वो जरूर हमें बताएगा। और आपके हिसाब से इन दोनों में अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा वो जरूर हमें बताएगा। क्या आपको लगता है कि शाबकात रहमानोव अनडिफीटेड रहेगा अगर जैक डेला मेडेलिना के साथ उसका फाइट हुआ तो? तो आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो आज का आखिरी न्यूज है आपका एलेक्स परेरा को लेके। एलेक्स परेरा ने रिजेक्ट कर दिया है मागोमेद एनक्लाइव का कॉल आउट को। मागोमेद एनक्लाइव चाहता था कि एलेक्स परेरा फाइट करे मागोमेद एनक्लाइव के साथ अबू धाबी में, लेकिन एलेक्स परेरा ने मना कर दिया ये कहते हुए कि तुम्हारा कंडीशन के हिसाब से मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि इस साल के अंत तक तुम फाइट करो मेरे से अबू धाबी में, लेकिन मैं जल्द से जल्द फाइट करना चाहता हूँ इस डिवीजन में, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इतना देरी वेट करूँ। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो जल्द से जल्द मुझसे फाइट करो, वरना ये भूल जाओ कि तुमसे मैं फाइट करने वाला हूँ, मैं हूँ चैंपियन तुम नहीं। तो ये कहना था आपका एलेक्स परेरा का। एलेक्स परेरा चाहता है कि मागोमेद एनक्लाइव उससे फाइट करे यूएफसी 301 में, जो कि होने वाला है आपका ब्राजील में। ब्राजील में एलेक्स परेरा फाइट करना चाहता है मागोमेद एनक्लाइव के साथ, लेकिन मागोमेद एनक्लाइव चाहता है कि एलेक्स परेरा के साथ वो फाइट करे अबू धाबी में। तो इसी वजह से एलेक्स परेरा ने कहा है मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूं तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से फाइट, मैं चैंपियन हूं, मेरे कंडीशन के हिसाब से तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा अगर तुम्हें फाइट चाहिए ये। तो ये कहना था आपका एलेक्स परेरा का। यूएफसी वाले किसके हिसाब से ये फाइट बनाएगा, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।